आज हम पालक का सांभर बनाएंगे। पालक का सांभर बनाने के लिए सब प्रकार का पालक, जो भी वैरायटी पालक मिलता है, वो सब मिक्स पालक थोड़ा थोड़ा इसमें लिया है। जैसे कि पालक, सोया, मरीरा, ये सब मिक्स्ड पालक, खट्टा पालक, मेथी, मेथी का साग, ये सब मिक्स पालक लिया है। इसको अच्छी तरह से धो के काट के देखिए, ऐसा बड़ा बड़ा मोटा मोटा काटा है। जो सामग्री इसके लिए चाहिए, टमाटर, ग्रीन मिर्ची, अदरक, थोड़ा सा नारियल, नारियल आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो नारियल को स्किप कर सकते हैं। दाल आधा घंटा भिगा के लिया है, और चोंग के लिए एक लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता लिया है। अभी कुकर में सब सामग्री डालेंगे। पहले दाल डाल रही हूँ, जो साग काट के धो के काट के रखा है ना, वो सब इसमें डाल रही हूँ। टमाटर, अदरक, मिर्ची, हल्दी, दाल बॉईल होने के लिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, एक स्पून ऑयल। अभी कुकर ढक के तीन विशल लेंगे। देखिए विशल आ रहा है, तीन विशल के बाद ठंडा करके देखिए थोड़ा सा ये पानी निकाल देंगे। पानी रहने से मथनी अच्छा नहीं होता है, इसलिए पानी निकाल रहे हैं। अब इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक, सांभर पाउडर। सांभर पाउडर का रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो एक बार बना के रखने से हमको सब सांभर में ये काम आता है। थोड़ा सा इमली का पानी डाल रही हूँ, और लकड़ी से इसको मथनी करते हैं। मिक्सी में भी दरदरा मिक्सी कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट अलग होता है। नारियल भी इसमें डाल रही हूँ। देखिए लकड़ी से थोड़ा ऐसा मथनी करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए कितना अच्छा मथनी हो गया है। अभी जो दाल का पानी था ना फिल्टर किया हुआ, वो भी इसमें डाल रही हूँ। ये 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अभी चोंक लगाएंगे, ऑयल डाल रही हूँ। राई, जीरा, हिंग और करी पत्ता, एक लाल मिर्ची। देखिए चोंक को अभी दाल में डाल रही हूँ, कितना अच्छा कलर आया है। पालक का सांभर रेडी हो गया है। इसको अभी सर्विंग बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ। पालक का सांभर रेडी।